कांग्रेस महासचिव बनने के साथ ही प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई है। इसी के साथ सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इसको लेकर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने, इसके अलावा अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के अलावा फूलपुर और गोरखपुर भी सीटें चर्चाओं में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला खुद प्रियंका गांधी करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बड़ा दांव खेलते हुए अपनी बहन प्रियंका गांधी को यूपी के चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने पर देखने को मिला था। इसी का नतीजा है कि अब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाने की मांग उठने लगी है। हालांकि ये कयास पहले से लगाए जाते रहे हैं कि प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो गई है। अब हम चाहते हैं कि प्रियंका को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी के रायबरेली के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत में राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि प्रियंका गांधी अमेठी के चुनाव मैदान में उतरकर पहले से ही बीजेपी उम्मीदवार मानी जा रही स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा ये भी चर्चाएं हैं कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जाए। इससे समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी प्रियंका को समर्थन देना पड़ेगा और तब मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। साथ ही कांग्रेस की परंपरागत सीट माने जाने वाली फूलपुर के अलावा योगी आदित्यनाथ से सीधा मुकाबला तय करने के लिए प्रियंका गांधी के गोरखपुर से भी चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अपने अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला खुद प्रियंका को करना है। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, भैया काम करेंगे, और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। दरअसल पूर्वी यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। इसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री इस इलाके में कांग्रेस को ऑक्सीजन दे सकती है। इसी के साथ पूर्वांचल का ये इलाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के लोकसभा क्षेत्र में भी आता है। इस तरह प्रियंका गांधी को इन दोनों की चुनौतियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी बीएसपी का भी सामना करना होगा। कांग्रेस ने राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस गठबंधन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। जाहिर है सक्रिय राजनीति में एंट्री के साथ ही प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के 1 फरवरी के बाद कार्यभार संभालने के बाद खबर है कि लखनऊ में एक बड़ी रैली होगी और उसमें प्रियंका गांधी अपनी आगे की सियासत का साफ इशारा कर देंगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।